शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भयदां जाड्य अंधकार अपहां हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं ॐ ह्रीं ह्रीं ॐ ऐ औच हयवरट्लण् यमगणनं जपयो गडदस् जप गडदस् खप चट चट तव कपयो सस सर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अंत नपुंसक लिंग की पूर्ण आहुति की तरफ कुछ रूप बचे हैं, उन रूपों की सिद्धि कर रहे हैं। और पूर्व के पाठ में अर्थात कल हमने धनुष का रूप जो है वो सिद्ध किया था, अंतिम रूप शायद यही सिद्ध किया था। तो अंतिम यही था ना धनुष? जी धनुष, हाँ। तो यही सिद्ध किया था हमने, धन शब्द है। तो ये रूप सिद्ध होने के बाद में अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी एक शब्द आ रहा है पयस। अमरकोशकार ने ये, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है ऐसे अमरकोश है। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते संस्कृत के बारे में उनके लिए इसी प्रकार बताना पड़ता है, जैसे आपकी अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है ऐसे अमरकोश है। तो शब्दों के अर्थ वहाँ किए गए हैं। तो अमर सिंह नाम है उनके रचयिता का, तो उनके शास्त्र का नाम अमरकोश है। तो अमरकोश में पयस शब्द के बारे में आया है, पयह शीरम पयो अम्बुच इति अमरह। इति अमरह मतलब इति अमरकोश में आया है। क्या? पयह शीरम पयो अम्बु, अर्थात ये जो पयस शब्द है, इस पयस शब्द का अर्थ शीरम अम्बु, मतलब इसका जल भी अर्थ है और इसका दूध भी अर्थ है। तो दोनों अर्थ इसके बताए गए हैं पयस शब्द के। तो पयस शब्द है, बोर्ड पे लिखने का शुभारंभ तो कर ही देते हैं, थोड़ा शुभारंभ हो जाए तो अच्छा है। बाकी वैसे तो अब रूप सिद्धि में आपको बोर्ड की अधिक आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो बोर्ड का टाइम चला गया। बीच बीच में पढ़ा करेगी तो बताया भी करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो पयस शब्द है, आप लोग अब समझ चुके हैं। अब तो आपकी, आपके पास आपकी पुस्तक या टीका जो भी आप हिंदी की देखते हो वो सामने होनी चाहिए। बाकी ध्यान होना चाहिए पूरा उसी तरफ, एक घंटा पढ़ाने के समय पर, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पयस शब्द है जिसका जल अर्थ भी है और दूध अर्थ भी है, और इसमें सु प्रत्यय आया तो सु में सकार रह गया, सकार रह गया। सु का लुक आप करना जानते हैं, क्योंकि नपुंसक लिंग चल रहा है हमारा, तो समोर नपुंसक आज से आपने कर लिया, बाकी और कार्य इसमें है नहीं। रुत विसर्ग कर लीजिए, ससज उसे रू इत्यादि लगा के, तो पयाह रूप सिद्ध हो गया। पयस धन औ की स्थिति है। पयस धन औ की स्थिति में औ के आते ही आपको सूत्र प्राप्त हो जाता है, वही सूत्र इसमें लगा लीजिए। कौन सा सूत्र है? नपुंसकाच्य, जो औ को शी आदेश कर देता है। शी आदेश करने से पयस धन ई मात्र बच गया और मिला दिया, बाकी कोई कार्य है नहीं, तो पयस ई ऐसा बन गया।
पयस धन सु औ जस, जस प्रत्याया, जस को जस यशो, शी से शी आदेश हो गया। और बार बार कहते हैं कि एक शी आदेश होता है और ये शी आदेश होता है, दोनों में अंतर ये है कि जो द्विवचन का होता है वो ह्रस्व है, वो दीर्घ है, और जो बहुवचन का होता है वो ह्रस्व है। तो पयस धन ई रहा। अब यहाँ नपुंसकस्य झलचा से नुम का आगम कर लीजिए। पयस धन, अब नुम का आगम मृत्यु अंत्यात्पर व्यवस्था देगा, तो नकार मात्र जब शेष बच जाता है नुम में, तो मृत्यु अंत्यात्पर है उस नकार को, अर्थात नुम को, नुम के नकार को, नुम आया फिर मकार गया फिर उकार गया, तो नकार ही है, नुम बैठाया तो फिर नुम बैठाने के बाद नकार ही बचा, तो नकार यकार उत्तरोत्तर अकार से पर में बैठेगा, तो क्या हो गया, पयंस। पयंस होने के बाद में ये नकार और सकार की अब यहाँ संयोग संज्ञा तो हो गई, और शांत संयोग है तो शांत संयोग, क्योंकि सकारांत अंत में है, सकार अंत में है, तो शांत संयोग है, तो शांत महता संयोगस्य। ये हमने पूर्व के पाठ में कल भी ये सूत्र हमने देखा था, शांत महता संयोगस्य, ये शांत जब संयोग इसको मिलता है ऐसी स्थिति में ये फिर उपधा को दीर्घ कर देता है। तो उपधा तो हमारी यकार उत्तरोत्तर अकार ही थी, तो पयांस हो गया, और पयांस की स्थिति में नश्च पदांतस्य झलि नकार को अनुस्वार बना देगा, और अब अनुस्वार हमारा जो है अनुस्वार से यही पर सवर्ण से फिर से नकार बनने वाला नहीं है, क्योंकि पर में जो सकार है वो सकार तो आपका यह प्रत्याहार में आएगा नहीं, क्योंकि यह तो कपय, यह प्रत्याहार में आएगा ही नहीं, हयावरट से शुरू हुआ है यह प्रत्याहार, तो यह से और फिर वो यात्रा कपय तक गया है, तो ये तो ससर तो आगे हो गया इससे, तो इसीलिए ये रूप सिद्ध हुआ पयांसी। पयांसी रूप सिद्ध हो गया प्रथमा के बहुवचन में। अब द्वितीया के रूप भी ठीक उसी प्रकार बनते हैं जैसे प्रथमा के रूप बनते हैं, ये आपने पूर्व के पाठ में भी देखा है, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, ऐसे रूप सिद्ध हो गए हमारे। टा में आ जाइए, टा में आएंगे तो कोई कार्य नहीं है, टा का आ बचा, पयस का सकार के साथ अकार का मिलन हुआ तो पयसा हुआ, और पयसे हुआ गे में, और पयसा हुआ गसी गस का जो अस बच गया, और ओस की स्थिति में पयसो हो क्योंकि ओस है मिलाया है रुत विसर्ग किया है, और आम की स्थिति में पयसाम हो गया, तो इसमें कोई और कार्य था नहीं। अब जो है भ्याम की स्थिति है, तो पयस धन भ्याम की स्थिति में ससजुस रू से आप रुत्व कर दीजिए, यह हो गया पयर। पयर होते ही यहां पर आपको जो है सूत्र प्राप्त हो जाएगा हशिचा। क्यों हशिचा क्या मांगता है, रेफ के पहले अत मांगता है, तो यकार उत्तरोत्तर अकार अत है ही अर्थात हर्ष अकार, और रेफ के पर में पर 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 निमित्त जो मांगता है वो हश प्रत्याहार का वर्ण मांगता है। अतोर और प्लुतार पुते और हशिचा में दोनों ही जो है ये उत्त करने के लिए होते हैं, लेकिन अतोर और प्लुतार प्लुते जो करता है वो तब करता है जब रेफ के दोनों तरफ अर्थात रेफ के पूर्व में अत हो और रेफ के पर में भी अत हो, ऐसा निमित्त बन रहा हो। लेकिन हशिचा में रेफ के पूर्व में तो अत मांग लेता है, लेकिन रेफ के पर में हश प्रत्याहार का वर्ण मांगता है, तो भ्याम का जो बकार है वो हश के अंतर्गत आ गया, इसीलिए यहाँ पर इसको उत कर देंगे। उत करने के बाद में यकार उत्तरोत्तर जो अकार है और उत का जो उकार है उन दोनों में आद गुणा होगा, तो बन जाएगा पयोभ्याम, ऐसे ही पयोभिः, पयोभ्याम पयोभ्यः पयोभ्याम पयोभ्यः, ऐसे ये सारे रूप सिद्ध हो जाएंगे। संबोधन का रूप ठीक उसी प्रकार जैसे आपने प्रथमा का रूप बनाया, रूप का उच्चारण कर लेंगे, पयः पयसी पयांसी, पयः पयसी पयांसी, पयसा पयोभ्याम पयोभिः, पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, पयसः पयसोः पयसाम पयसी पयोसोः। अच्छा सुप की स्थिति में देख लेंगे, पया है तो रुत विसर्ग करने से वो पहले तो विसर्ग बन जाएगा, ऐसी प्रक्रिया आप पहले भी देख के आए थे लेकिन पुनरावृत्ति करा देते हैं, पहले तो वो विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाने के बाद में आप क्या करोगे, उसमें आप पूर्व की तरह ही यहाँ पर जो है पहले आकर खड़ा हो जाएगा, कौन विसर्जनीय सह, विसर्जनीय सह जब आएगा उसको फिर काटने के लिए वाशरी आ जाएगा, निषेध सूत्र वो कहेगा विकल्प से करिए कार्य, विकल्प से कार्य क्या करिए कि एक पक्ष में विसर्ग को विसर्ग रखिए अर्थात पयः सु
और दूसरे पक्ष में जो रूप बच गया उसमें जो मर्जी आपको सूत्र प्राप्त हो लगा लीजिए। तो विसर्जन इससे सब पहले ही था तो उसी को लगा देते हैं, जो विसर्ग को सकार बना दिया तो पयस सु, ऐसे रूप जो सिद्ध हो गए हैं। हे पय, हे पयसी, हे पय, हे पयसी, हे पयांसी, ये सभी रूप इस प्रकार सिद्ध हो गए हैं। और अनस एक शब्द है छकड़ा के लिए। ये छकड़ा क्या होता है, ये जिसको कई जगह जुगाड़ भी बोलते हैं, छकड़ा बोलते हैं जुगाड़। अब आजकल की भाषा में ये जुगाड़ भी बोलते हैं, छकड़ा जुगाड़ ऐसा ये होता है। ये गुजरात में छकड़ा बोलते हैं इसको और महाराष्ट्र में भी शायद छकड़ा बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं देखा है ये दिल्ली NCR और इन एरिया में इसको जुगाड़ बोलते हैं, और इंजन मात्र उसमें रखा होता है वो। तो ये अनस शब्द उसी छकड़े के लिए है। अभ्यस जो है ये जल के लिए है, अयस शब्द लोहा के लिए है, अरणस जो है जल के लिए है, अर्शस बवासीर के लिए है, आगस अपराध के लिए है, उरस छाती के लिए है, उदस चड्डा के लिए है, एदस ईंधन के लिए है, एनस पाप के लिए है, ओकस घर के लिए है, ओजस बल तेज के लिए है, अहमस पाप के लिए है, चेतस चित्त के लिए है, छंदस जो छंद होता है वो रूप भी इसी प्रकार छंदस ऐसे ही बनेगा। तपस जो तप शब्द होता है वो तप शब्द भी जो है आपका हिंदी में जिसका तप अर्थ होता है वो उसका प्रातिपदिक तपस होता है, और तपस के रूप भी आपके पयस की तरह चलेंगे, अर्थात प्रथमा विभक्ति का तपस का रूप जो चलेगा तपह तपसी तपांसी, ये इस प्रकार रूप चलेगा। तमस अंधकार का रूप भी, अंधकार का रूप नहीं तमस शब्द का अंधकार जिसका अर्थ है, क्योंकि स्वरूप बदल जाएगा अंधकार का रूप, तो अर्थ जो है इसका अंधकार उसका रूप तो अकारांत है रामवत चल जाएगा, लेकिन तमस शब्द का तो सकारांत नपुंसकलिंग है हलंत, तो इसका तो पयस शब्द की तरह चल जाएगा तमस शब्द का, जैसे तमह तमसी तमांसी इस प्रकार। तरस शब्द है वेग के लिए, तेजस है, तेजस अभी अपना यान भी है, तेजस तेजस ट्रेन भी है, तो तेजस वैसे शब्द जो है वो तेज के लिए है, वहीं से ये तेजस शब्द है, तेजस का इसी प्रकार चलेगा। नभस आकाश के लिए है, पाथस शब्द है जल के लिए, मनस शब्द ध्यान देंगे ये शब्द बड़ा आता है साहित्य में, मनोबुद्धि अहंकार ये सब आता है कई जगह, मन शब्द के बिना तो साहित्य हमारा वेदांत पूरा ही नहीं बनता, क्योंकि मन का तो सारा खेल ही है, तो ये मनस प्रातिपदिक है इसका। कई बार एक बार विद्यार्थी, कुछ दिन पहले की बात है, एक उपनिषद का अध्ययन चल रहा था, तो उसने देखा हमारे ख्याल से कठोपनिषद चल रही थी, तो उसमें शांकर भाष्य में शब्द आया मनोआदि, आज भी गीता पाठ में एक शब्द आया था, उसको अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी इस पाठ में नहीं करेंगे। तो उपनिषद में आया, क्या आया, मन आदि इस प्रकार लिखा था, बोर्ड पर देखने वाले देख सकते हैं, मन आदि ऐसे जोड़ के लिखा हुआ था। तो विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी ये मन आदि ऐसे कैसे लिख दिया है, नकार उत्तरोत्तर आकार में और आकार में इनमें आदगुणा सूत्र क्यों नहीं लगा, संधि क्यों नहीं हुई, इनमें दोनों में प्राप्त तो है। हमने कहा आप मन शब्द को ये समझिए पहले, ये मन शब्द का प्रातिपदिक क्या है, क्योंकि यदि प्रातिपदिक का ज्ञान आपको नहीं होगा तो शब्द का आप ठीक से अंदाजा नहीं लगाएंगे। तो इसका मनस प्रातिपदिक है, जब मनस प्रातिपदिक इसका है तो मनस प्रातिपदिक की स्थिति में मनस के आगे यदि आदि शब्द हो, थोड़ा बता देते हैं आपके सामने भी ये पड़ेगा क्योंकि कठोपनिषद में आता है मनस आदि इत्यादि, और भी कई उपनिषदों में इसका वर्णन है, जैसे मनस है, अब मनस के आगे जो है आदि शब्द आ गया, अब मनस के उत्तर में जो आदि शब्द बैठा हुआ है, अब सकार में आप क्या करेंगे, सकार को आप रेख कर देंगे सू से, तो ठीक है रेफ हो गया, रेफ होने के बाद में आप इसमें प्रक्रिया लगा सकते हैं क्या, भो भगो अगो पूर्वस्य, भो भगो अगो पूर्वस्य क्या कर देगा, इसको यकार कर देगा। अब यकार करने से क्या हो जाएगा, ये मनया हो जाएगा। अब मनया हो जाने की स्थिति में अब भो भगो अगो जब ये यकार हो गया अवर्ण से पूर्व, फिर वो यकार कर देता, तो यकार करने के बाद में यहां पर अब आप देखेंगे कि अश अश प्रत्यय अर्घवर्ण पर में है, तो अश प्रत्यय अर्घ वर्ण लोप कर लीजिए, लोपशागलस्य से जब लोप आप कर लेंगे यकार का, तो मना आदि रह गया, तो मना आदि मिला के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो है यहां पर अब ये अब संधि क्यों नहीं हुई, तो आपको बताया था पूर्वोत्तर सिद्धम की दृष्टि से कि आदगुणा जो है, आदगुणा की दृष्टि में ये जो यकार का लोप हुआ है लोपशागलस्य से वो असिद्ध है, यानी आदगुणा को अभी भी यहां पर यकार दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो मन आदि ऐसे लिखा है तुम्हारी दृष्टि में,
लेकिन आदिगुणा सूत्र को तो वो मनाया आदि दिख रहा है। बात समझ में आई गई होगी। तो ये मनस प्रातिपदिक की इस प्रकार की जो है, हाँ कुछ पूछ रहे थे, समझ आ गई ना? हाँ जी आ गई। तो महत शब्द तेज के लिए, मेदस शब्द चर्बी के लिए, यश शब्द यश जिसका हिंदी में अर्थ होता है यादस जल तंतु, रक्षस राक्षस जिसका अर्थ होता है वो रक्षस उसका प्रातिपदिक है, रजस धूल के लिए, रहस एकांत के लिए। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई बार शास्त्र में उपयोग होते हैं, इसलिए हमने इनको उच्चारण करना अविष्ट समझा। रेतस वीर्य के लिए, रोदस तट के लिए, वक्षस छाती के लिए। छाती के लिए एक और शब्द आया था अभी अभी आपको, उरस, और एक और शब्द आ गया यहाँ पे छाती के लिए वक्षस। जो वक्षस शब्द है, जो वक्षस्थल इत्यादि शब्द बनते हैं, तो वक्ष ऐसा प्रथमा का रूप बनेगा वक्षस का। वयस पक्षी के लिए, शिरस सिर के लिए, शिरस हाँ शिरस नहीं शिरस, शिरस का बोलते हैं ना सिर, ये सिर हिंदी में जो सिर बोलते हैं यहीं से तो उठ के गया होगा, वो शिरस शब्द है। शिरस शब्द का मतलब क्या हो गया, शिरस प्रातिपदिक का मतलब हो गया सिर, वो हिंदी में सिर कह रहे हैं तो उठ के तो यहीं से गया है, वो अपभ्रंश तो है, भित्ती का भीती तो बना है, इसी प्रकार शिरस का सिर बन गया, तो शिरस का भी क्या शिरा प्रथमा बनेगा। श्रवस कान के लिए जो होता है, तो श्रवह प्रथमा बनेगा। सरस तालाब के लिए, सरह, इसी प्रकार जो है ये सहस और स्रोतस इत्यादि जो है झरना के लिए, स्रोत बोलते हैं ना स्रोत, इसका स्रोत क्या है तो वो स्रोत मतलब झरने के लिए स्रोतस प्रातिपदिक है इसके लिए। इसी प्रकार इन रूपों की सिद्धि आप एक बार अपने दिमाग में जो है, आप चलते फिरते घूमते हुए इन जो ये जो इस प्रकार सकारांत जो नपुंसकलिंग के ये कुछ और शब्द हैं, इनका रूप आप एक बार चलाने की कोशिश करेंगे अपने दिमाग में, इससे होगा ये कि आपको पयस का रूप पक्का हो जाएगा और ये शब्द जो है बार बार प्रयोग में आएंगे। जैसे तेजस शब्द है, नभस शब्द है, खूब आता है, मनस शब्द है, खूब आता है शास्त्र में, यशस शब्द है, खूब आता है शास्त्र में, रक्षस शब्द है, खूब आता है शास्त्र में। तो इनका जब आपको एक बार रूप आप अपने हाथ से चला के लिख के आप देख लेंगे, तो कहीं भी वो रूप अगर आएगा शास्त्र में एकदम आप उसको कैच कर लेंगे। तो ये हो गया। अब जो है अग्रिम शब्द जो है वो आ रहा है सुपुम। सुपुम क्या है, सुपुम का मतलब है शब्द क्या है, सुपुम, सुपुम शब्द है, सुपुम शब्द का मतलब ये है शोभनाह पुमांसो यस्मिन तत्सुपुम, शोभनाह पुमांसो यस्मिन तत् सुपुम। तो ये जो है क्या कहना चाह रहे हैं कि शोभनाह पुमांसो यस्मिन तत् सुपुम अर्थ करने की ये शैली होती है। तो समास इत्यादि की दृष्टि से कहते हैं जिस कुल या नगर में बहुत सुंदर व्यक्ति रहते हो, अच्छे पुरुष रहते हो, सभ्य सुसभ्य और सुंदर पुरुष रहते हो, उस कुल को ही क्या कहते हैं, सुपुंस कहते हैं। सकारांत ही है सुपुम, सुपुंस जो है सकारांत है, फिर उसका सुपुम बन जाएगा। तो अब सुपुम सुपुम बोलते हैं उस कुल को, ठीक है। अब ले लीजिए प्रातिपदिक क्या है इसका, सुपुंस प्रातिपदिक है, सुपुंस, सुपुंस प्रातिपदिक में सुपुम नहीं है प्रातिपदिक, प्रातिपदिक सुपुम मत समझना, हम सुपुंस प्रातिपदिक है, ठीक है। तो प्रातिपदिक तो इसका सुपुंस है, सुपुम तो इसका प्रथमा का रूप बनेगा, ठीक है। तो प्रातिपदिक है ये सुपुन जो है इसका प्रथमा का रूप है, प्रातिपदिक है इसका सुपुन। इस प्रकार सूले आइए उकार उपदेशे अजन उनासी की तदर्शन लोपा तस्य लोपा से अनुबंध लोप हो गया। अब जो है स्थिति क्या है, सुपुंस दंत सकार। सु का लुक कर लीजिए, सु का लुक करने के लिए आपको पता ही है, तो समोर्ण नपुंसकात से आप सु का लुक कर लीजिए। अच्छा अब यहाँ जो है आपको संयोगांतस्य लोपः सूत्र भी कार्य करने के लिए प्राप्त है, तो वो क्या कराएगा, सकार का लोप कर देगा। पहले तो सु के सकार का लोप हुआ समोर नपुंसकात से, और अब जो है सुपुंस के सकार का लोप हो रहा है संयोगांतस्य लोपः से, संयोग अंत में है तो ये हो जाएगा इसका लोप। तो किसका, अनुस्वार का और उसका संयोग है ना, अनुस्वार का उसका संयोग है, तो ये हो जाएगा इसके सकार का लोप। सकार का लोप होने के बाद में ये जो अनुस्वार बना था ऊपर चढ़ा था, ये तभी तो चढ़ा था जब इसको पर में हल मिल रहा था,
ये मकार ही तो ऊपर चढ़ के अनुस्वार होता है, तो जब इसका हल ही गायब हो गया, निमित्त ही चला गया, तो नैमित्त का तो नाश हो ही गया। क्यों? क्योंकि निमित्त अपाय नैमित्त कश्य अपाय। तो ठीक है, इसको नीचे उतार लाएंगे तो क्या बन गया? सुपुम। इस प्रकार बना ये सुपुम। प्रक्रिया जो आई इसकी सुपुम से, सुपुम की प्रक्रिया इस प्रकार से ये आई है। अब जो है क्या आ गया आपका? सुपुंस, सुपुंस धन औ। औ की स्थिति में औ को शी आदेश आप करा लेंगे, शी में ई मत जाएगा तो सुपुंस धन ई बस मिला देंगे सुपुंसी। ऐसा सुपुंस धन, सुपुंस धन क्या हो गया? सुपुंस धन जस। जस में आप जो है इसमें जस में अभी क्या कर सकते हैं? जस असो सी, जस के स्थान पर शी, ऐसा आप करेंगे क्या? सर्वनाम स्थान की विवक्षा में जस के स्थान पर शी करोगे तो आपने ये जो पुंस शब्द है, ये पुंस शब्द से सुपुंस बना है, शोभनो ऐसा जो आया है ये पुंस शब्द से तो है। तो इसी जब पुंस शब्द आता था तो पुंस शब्द के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था पुंसो असुंग। पुंसो असुंग क्या करता था? वो क्या कहता था कि जब आपको सर्वनाम स्थान की विवक्षा ही है, अर्थात आया नहीं है, केवल आपके मस्तिष्क में है कि अब जो है सर्वनाम स्थान आने जा रहा है, अर्थात जस को शी आदेश होगा और शी को सर्वनाम स्थान समझाओगे, शी सर्वनाम स्थानम से होगी, केवल आपके मस्तिष्क में ही है यानी विवक्षा ही है, तभी उसी समय पर क्या कर लीजिए आप? इसको असुंग आदेश कर लीजिए। हाँ, पुंस शब्द को असुंग आदेश कर लीजिए तो असुंग बैठ जाएगा। पुंस शब्द है संपुंस, असुंग बैठ जाएगा। असुंग की प्रक्रिया उसी तरह है, आप जानते ही हैं, गिच जाके व्यवस्था देगा असुंग की, नकारित हो रहा है इसमें तो अस मात्र शेष रह जाएगा, तो सकार के स्थान पर अभी जो यहाँ बैठा हुआ है सकार, इसके स्थान पर यहाँ पर क्या बैठ जाएगा? अस। सकार के स्थान पर अस बैठ जाएगा। मकार तो नीचे आ ही जाएगा, या जब पर में अब अस है तो मकार भी नीचे ही उतर जाएगा, मकार ऊपर कहाँ रहेगा? तो सुपुंग और अब क्या है? अस बैठ गया, सकार के स्थान पर अस बैठ गया। तो मकार में अकार जब मिलेगा तो ये सुपुमस हो गया। अब सुपुमस की स्थिति धन जस की, जस चल रहा है आपका, जस असो सी वाला जो जस है, अभी सी हमने किया नहीं है, अब कर लीजिए सी आदेश। स्थिति क्या हुई? सर्वप्रथम आपने क्या किया? सुपुंस धन जस, सुपुंस धन जस में आपने जब आपको सर्वनाम स्थान की केवल विवक्षा मात्र है तभी आपके सामने सूत्र आके प्रस्तुत हो गया पुंसो असुंग। पुंसो असुंग क्या कहता है? पुंस शब्द को असुंग आदेश कर लीजिए। असुंग आदेश जब हम करेंगे तो हल परे रहने के कारण अनुस्वार ऊपर था, वो हल परे है नहीं अब, तो अस सकार के स्थान पर अस आदेश है तो वो नीचे उतर ही आएगा, निमित्त गया तो निमित्त तो चला जाएगा। तो सुपुम और अस मिला देंगे तो सुपुमस धन जस, और अब जस असो सी से जस को शी आदेश कर लीजिए। शी आदेश करने के बाद में जैसे आपने शी आदेश कर लिया तो आप इसमें जो है नपुंसकस्य झलचः आप इसमें लगा सकते हैं, तो क्या कर देगा? नपुंसकस्य झलचः यहाँ पर आपको नुम का आगम करा देगा। तो नुम का आगम होने के बाद में, नुम का आगम होने के बाद में उपधा दीर्घ कर लीजिए। उपधा दीर्घ किससे हो जाएगी? शांत महता, अभी पढ़ के आए हैं आप, उपधा दीर्घ हो गई। उपधा दीर्घ होने के बाद में ये जो मकार है, ये जो नस्य, ये जो अभी ये फिर से जब उपधा इत्यादि दीर्घ हो गए फिर से इसको सकार मिल गया तो फिर से ऊपर चढ़ेगा, ये मकार का कार मिलके फिर से ऊपर चढ़ेगा, और ये वहीं से प्रक्रिया होकर नस्य पदांतस्य झली की और अनुस्वार की प्रक्रिया होकर ये सुपुमांसी सिद्ध हो जाएगा। तो वही पुरानी प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो सुपुमांसी रूप जो है यहाँ सिद्ध हो जाएगा। सुपुम, सुपुंसी, सुपुमांसी, बाकी जो है टा इत्यादि में मिला देना मात्र है, सुपुमसा मिलाया है खाली, सुपुम भ्याम, सुपुम में केवल भ्याम मिलाया है, सुपुन से सकार को फिर मकार बनाया है हमारी उसी प्रक्रिया से, उसके बाद उसमें केवल भ्याम मिलाया मात्र है, जैसे प्रथमा में सुपुम तक लाए थे खींच के, सुपुम तक ले आना और भ्याम को मिला देना तो सुपुम भ्याम, सुपुम भी ही सुपुम से, सुपुम भ्याम, सुपुम व्यह, सुपुन सह, सुपुम भ्याम, सुपुम व्यह, सुपुन सह, सुपुम सोहो, सुपुम साम, सुपुन सी, सुपुन सोहो, सुपुन सु, हे सुपुम, हे सुपुंसी, हे सुपुमांसी, ऐसा हे सुपुमांसी, इस प्रकार आप ये रूप सिद्ध कर लेंगे। अब अंतिम रूप इसका आने जा रहा है आपका हलंत नपुंसकलिंग का। अंतिम रूप जो है आप पहले भी सिद्ध करके आए थे अदस का, अब फिर से अदस आ गया। कुछ सूत्र तो बिल्कुल इसमें वही के वही है, कोई नया सूत्र नहीं है, और वही पुराने सूत्रों से जो है सारी की सारी प्रक्रिया हो जाती है।
कहीं अभी नवीन व्याकरण में कुछ कई लोग कार्य करने वाले वो तो कहते हैं कि अब ये जो शब्द आपने तीन लिंगों में बांट दिए हैं, बोले ये तीन लिंगों में बांटना बोले पाणिनि जी की दृष्टि से गलत है। वो तो ऐसा सिद्धांत देते हैं, पूरी पुस्तक भी उन्होंने लिखी हुई है और प्रमाणित है बड़े बड़े वैयाकरणों से, महात्माओं से। तो आप लोगों को कई बार हमने वो पुस्तक दिखाई भी है। तो इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द आप बिना लिंग को भेद किए हुए भी बना सकते थे, क्योंकि इनमें कोई लिंगवाचक जो है सूत्र कोई खास लगते नहीं है और आप बेकार में करते। तो देखते हैं नपुंसक लिंग में भी अदस आ ही गया, अदस शब्द नपुंसक लिंग में सू ले आएंगे, सू का लुक कर लेंगे। सू का लुक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, वो आप जानते ही हैं। सू का लुक करने के बाद में अदस बच गया, और अदस में अब आप और कुछ नहीं करेंगे, रुत विसर्ग सामान्य कर देंगे, केवल स स दूसरो रू लगा देंगे। और स स दूसरो रू लगाने के बाद में आप इसमें जो है सीधे सीधे अदह रूप बना देंगे। अच्छा अब कहोगे कि हमने सूत्र पढ़ा था अदसो शेर दादूर दो महा, वो क्यों नहीं लगा? तो अदसो शेर दादूर दो महा को आप याद करोगे तो वो ये कहता था कि अदस शब्द जो सकार रहित वाला हो, अर्थात जिसमें सकार नहीं हो, ऐसे अदस शब्द में ये लगेगा। क्या कार्य करता है ये सूत्र, अभी ये आने वाला है वैसे तो, लेकिन प्रसंग के साथ पहले ही बता देते हैं। कार्य ये करता है, ये ह्रस्व कोई हो दकार उत्तरोत्तर तो उसको उ आदेश, और दीर्घ हो दकार उत्तरोत्तर तो उसको उ दीर्घकार आदेश कर देता है और दकार को मकार बना देता है। ये दो कार्य करता है, दस्यम ऐसे कर देता है, दकार के स्थान पर मकार बैठा देता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अधा रूप की सिद्धि तो हो गई। अच्छा अधा जो सिद्ध हुआ, यहाँ पर एक और प्रश्न फिर खड़ा हो सकता है कि बोले त्यदादि नामा क्यों नहीं लगा? कहते हैं कि भाई तदादि नाम वहां भी तो लगना चाहिए था यहाँ पर, तो तदादि नाम वहां यहाँ इसलिए नहीं लगा क्योंकि विभक्ति जो थी वो विभक्ति थी ही नहीं यहाँ, विभक्ति का यहाँ लुक हो गया था। और विभक्ति का ये पहले भी चर्चा की थी, विभक्ति का लुक हो जाने से यहाँ पर जो है ये नहीं लग सकता तदादि नाम। तो ठीक है अब जो है अदस धन औ आ गया, अदस धन औ की स्थिति में औ को शी आदेश करा लीजिए, किससे? नपुंसकाच्य, वही सूत्र पुराना, ई बच गया। अच्छा अब जो है यहाँ पर आप जो है सर्वप्रथम क्या कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तमत्व का कोई कार्य शुरू में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहले तदादि नाम ही आगे खड़ा हो जाता है। तदादि नाम वहां क्या कर देगा, यहाँ पर अदस शब्द को जो है तदादि नाम में जो है अकार आदेश कर देगा, तद आदि नाम अह ऐसा करता है ना, अह आदेश, आ आदेश करता है, तो आ आदेश कर देंगे। तो अद आ ऐसा पर रूप करेंगे तो गुण से, तो अद ऐसा, फिर गुण करेंगे तो अधे, गुण किसके बीच में होगा, अद धन ई के बीच में गुण हो गया, तो दकार उत्तरोत्तरकार और ईकार के बीच में तो अधे। अब अधे होने के बाद में अब आप फिर से जो है जो सूत्र हम पहले रोक दिया था हमने, अच्छो शेर दादूर दो माह, उसको उठा लाइए। क्या करेगा वो, दकार को तो मकार बनाएगा, और एकार चूंकि दीर्घी है क्योंकि एकार अरस होते ही नहीं है, तो उसको जो है ऊ दीर्घकार आदेश कर देगा, तो सिद्ध हो जाएगा अमू। अदस धन जस, अदस धन जस की स्थिति में चलते हैं, जस ससोशी सी आदेश कर लीजिए, इकार बच गया, इकार बच गया, तदादि रू तदादि नाम वहां लगा लीजिए, अद बच गया, अदो गुण से पर रूप कर लीजिए, अद रह गया, अद धन, ऐसी स्थिति में नुम का आगम कर लीजिए, नुम का आगम करने के बाद में आप जो है यहाँ पर उपदा दीर्घ कर लीजिए, और ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद में नुम का आगम आप करने के बाद में उपदा दीर्घ करने के बाद में रूप सिद्ध हो गया अदानी। अच्छा अब अदानी की स्थिति में जब अदानी आ गया, यहाँ पर जो है अडानी नहीं है, अंग्रेजी में अडानी और हिंदी में अदानी लोग कई बार बोलते हैं, ये अदानी है, अदस का नपुंसक लिंग का बहुवचन प्रथमा का। तो अदसो शेर दादूर दो महा अब लगा लीजिए, यहाँ पर दकार उत्तरोत्तर जो अकार है वो दीर्घ है, तो दीर्घ उकार आने वाला है, और दकार के स्थान पर मकार बैठने वाला है, तो रूप सिद्ध हो गया अमूनी। ऐसे कोई कठिनाई मुझे लगता नहीं आपको कोई जान पड़ेगी। आगे पूरी की पूरी प्रक्रिया, सारी की सारी प्रक्रिया वही की वही है, बाकी कोई प्रक्रिया में भेद नहीं है, सारी पुंवत चलती है, अर्थात जो है पुल्लिंगवत चलती है, पुंवत माना पुल्लिंगवत, प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी वही, अदह अमू अमूनी, अदह अमू अमूनी, अमूना अमुभ्याम अमिभिः, अमुष्मयी अमुभ्याम अमिभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमिभ्यः, अमुष अमुयोः अमीषाम, अमुष्मिन अमुयोः अमीषु। संबोधन की इसमें कोई जरूरत ही नहीं है, होता ही नहीं है। इस प्रकार जो है आपका आज ये लघु सिद्धांत कौमुदी का हलंत नपुंसकलिंग प्रकरणम, हलंत नपुंसकलिंग प्रकरण आपका पूर्ण होता है।
अब अव्यय प्रकरण आ रहा है आपका, उसकी शुरुआत कल से करेंगे। बस ये बात आप समझ लीजिए कि जब विभक्ति किसी शब्द में ना लगे, अर्थात जब शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी और अविकारी, जो शब्द में विकार उत्पन्न हो सकता हो, कोई विभक्ति इत्यादि हो सकती हो, उस शब्द को अव्यय नहीं कहेंगे, और जिसमें कोई विकार नहीं है, अर्थात सारी विभक्तियों में एक समान हो, उसको अव्यय कहेंगे। ये सामान्य सी बात हमने बताई, बाकी विस्तार से कल चर्चा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।